एक बार आप सभी का वेलकम करता हूँ रॉयल की फैमिली में। अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ कैन वी अर्न, हम रॉयल क्यू से पैसा कैसे बना सकते हैं बड़ा। हम रॉयल क्यू से डेली का 10,000, रॉयल क्यू से डेली का 1,00,000, रॉयल क्यू से डेली का 5,00,000 कैसे कमा सकते। यस, सुनने में कानों पे यकीन नहीं आ रहा, क्या 5,00,000 रुपए डेली बोला सर आपने? यस, दिस इज पॉसिबल। रॉयल क्यू से आप डेली का 5,00,000 भी बना सकते हो, और 5,00,000 तो शायद अभी मैं कह रहा हूँ, आने वाले शायद 2-4 महीने बाद मैं कहना पड़े कि भाई साहब रॉयल क्यू से आप डेली का 1 करोड़ बना सकते हैं, क्योंकि 5,00,000 तक लोगों ने बनाना चालू कर दिया है। रॉयल क्यू से 10,000 कमाने वाले लोग तो इंडिया में काफी सारे हो चुके हैं, और रॉयल क्यू से 2,00,000 कमाने वाले लोग भी इंडिया में 1-2 हो चुके हैं, और रॉयल क्यू से 50,000 कमाने वाले भी इंडिया में लगभग 10-12-15 लोग हो चुके हैं। यानी रॉयल क्यू से वाकई पैसा आता है, और ये पैसा कैसे आता है? ये पैसा ट्रेडिंग के जरिए नहीं आता है दोस्तों। ट्रेडिंग के जरिए तो आपके पास जितना पैसा है उसी पे पैसा बना पाएंगे, लेकिन थ्रू रेफरल, थ्रू एडवाइज, एडवाइज की ताकत को अजमा करके, टीम की ताकत को अपना अजमा करके आप रॉयल क्यू से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग उस पर बात करते हैं, और मैं अपने स्लाइड पे आपको व्हाइट बोर्ड पे ये शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो अपना मैं ऑफ करता हूँ और आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। रॉयल क्यू, रॉयल क्यू में दोस्तों जब आप सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो सिस्टम आपसे सिर्फ लेता है $100। $100 किस लिए? फॉर 1 ईयर फीस, 1 साल की फीस है रॉयल क्यू की। साथ में रॉयल क्यू लेता है 20% इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट का। आपकी हर ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट आती है उसका 20% रॉयल क्यू लेता है। अब जाहिर सी बात है जो सिस्टम आपसे लेगा उसी में से तो बांटेगा ना। सिस्टम आपका पैसा नहीं लेता, क्योंकि आपका पैसा आपके अपने अकाउंट में पड़ा रहता है। ये 20% भी जो लेता है, ये 20% कहां से लेता है? सिस्टम कहता है $15 से $20 आप अपने अकाउंट में एडिशनल रख दीजिए फ्यूल फी के रूप में। तो आप रॉयल क्यू के वॉलेट में एक्टिवेशन के समय में $115 या $120 डालते हैं तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अब ये जो $15 आपने एडिशनल डाले हैं ये फ्यूल के रूप में काम करते हैं। जब जब ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है आपका $15 से पैसा घटता जाएगा। जब ये कम हो जाएगा, $10 के नीचे चला जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? वार्निंग आनी शुरू हो जाती है कि भाई आपकी ट्रेडिंग की फ्यूल कम हो गई है, फ्यूल डालो नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक में जब रिजर्व मोड लग जाता है तो खटाक सीना जल्दी से पेट्रोल पंप जाते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही है। और जब $2 हो जाता है तो आपके ट्रेडिंग रुक जाती है, तो आपको दोबारा फ्यूल डालना होता है। अब किन लोगों को फ्यूल की टेंशन नहीं होती? उन लोगों को फ्यूल की टेंशन नहीं होती जो लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं। काम क्या करना है? एडवाइज करना है, सलाह देना है। अभी मैं जूम पे लोगों से पूछूं, भाई साहब मुझे कभी कभी क्या है पेट में दर्द होता है, मैं क्या करूं? मैक्सिमम लोग मुझे थोड़ा एडवाइस दे देंगे, सर आप ये सब गोल ले लो, सर ये ले लो, सर वो ले लो। मतलब हर आदमी सलाह देना जानता है, हर आदमी डॉक्टर है। अभी मैं पूछ लूं, भाई साहब मुझे, मैं कार लेने की सोच रहा हूँ, कौन सी कार ले लू? कोई बोलेंगे किया ले लो, कोई बोलेंगे महिंद्रा ले लो, कोई बोलेंगे टोयोटा ले लो। हर आदमी एडवाइस देना जानता है। तो भाई साहब जो आप एडवाइस दे रहे हो ये एडवाइस इस बार भी देना चालू कर दो बिना मांगे। अभी तो मैंने मांगी सलाह तो आप मुझे दोगे, अब आप बिना मांगे सलाह देना शुरू कर दो। भाई साहब आपके पास पैसा है, मैं आपके, मेरे पास एक बढ़िया चीज है, आप पैसे से पैसा बना सकते हो, उस पैसे, सिस्टम का नाम है रॉयल क्यू। उनको पूरा प्लान समझाओ तरीके से, और वो व्यक्ति जब प्लान समझ जाएगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, उसको भी प्रॉफिट होगा। आप जब सिस्टम में जुड़ते हो, आप जब सिस्टम में जुड़ते हो $115 दे करके, तो आपका सिस्टम में रैंक होता है V1। V1 बोले तो VIP1, आप VIP बन जाते हो, VIP में पहला लेवल। अब आप सिस्टम में किसी को लाते हो, आप भी किसी आदमी को लेके आए, ये आदमी भी सिस्टम में कहलाता है V1। लेकिन इस आदमी के जुड़ने से आपको क्या मिलता है? इस आदमी के जुड़ने से आपको मिलता है $30। कितना? $30। कितने में, किस में से $30? इस $100 में से $30। साथ में ये जो 20% सिस्टम में ने लिया है ट्रेडिंग प्रॉफिट का,
यानी इस आदमी के ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट होगी उसका 20% जो सिस्टम काटेगा, इस 20% में से 4% की हिस्सेदारी आपको भी आनी चालू हो जाएगी। यानी जितने आदमी जोड़ेंगे उतने आदमी से $30 आएंगे। अगर हमने पूरे महीने में कसम खा ली कि डेली एक आदमी जोड़ेंगे तो महीने में $900 आपको आएंगे, चूंकि पूरे महीने में 30 आदमी जोड़ चुके होंगे और हर आदमी की ट्रेडिंग से आपको 4% आता रहेगा, चूंकि $30 तो एक बार आएगा बट ये 4% बार बार आता रहेगा। लेकिन V1 रैंक पे सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। पॉपी जी प्लीज हैंडरेज ना करें, मौका दिया जाएगा आपको हैंडरेज करने का आफ्टर सेशन, जब हम बोलेंगे प्लीज तब हैंडरेज कीजिएगा। V1 रैंक पे आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लोगों को जोड़ सकते हो, आपको टीम की इनकम नहीं मिलती। यानी आपने जिसको जोड़ा उसने अगर किसी को जोड़ा तो आपको इसकी इनकम नहीं मिलेगी। इसकी इनकम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी इनकम लेने के लिए आपको भेटू बनना पड़ता है। अब आप भेटू कैसे बनेंगे, आप तो V1 थे, V1 से V2 कैसे बनेंगे। V2 बनने के लिए कंडीशन है कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, कम से कम तीन डायरेक्ट और सब मिलाकर के टोटल 20 लोगों की टीम। चाहे आप 20 डायरेक्ट मार ले तो भी हो जाएंगे, चाहे आप 5 डायरेक्ट मार ले उनसे मिला के 15 लोगों की टीम बना ले तब भी आप हो जाएंगे। टोटल 20 लोगों की टीम होनी चाहिए। जैसे 20 लोगों की टीम होती है तो आप बन जाते हैं V2, और V2 बनते ही आपका परसेंटेज हो जाता है 40%, यानी $40, और साथ में ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6%। अब फिर से समझिए, आप V2 हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप V2 हैं और आपने क्या किया, एक बंदे को ज्वाइन करवाया। अब ये जो बंदा ज्वाइन किया, ये बंदा क्या है, ये बंदा V1 बना। आपको इस बंदे से क्या आएगा, आपको इस बंदे से $40 आ गया, साथ में इसकी ट्रेडिंग से 6% आ गया। अब ये बंदा किसी को ज्वाइन करवाएगा, तो ये तो V1 है, ये इसके नीचे वाला बंदा भी V1 है, इससे इस बंदे को कितना आएगा, जाहिर बात है V1 लेवल पे $30 आता है। V1 लेवल पे $30 आता है, तो इसको 30 आ गया, लेकिन आपको इस बंदे से क्या आएगा, आपका परसेंटेज था $40 का, इसका था 30 का, तो बीच का डिफरेंस गैप कमीशन $10 आपको आएगा, और एक बार नहीं आएगा। अब ये जितनी टीम बनाते रहेंगे, ये लोग जितनी टीम चाहे वो कितने ही डेप्थ में चाहते जाएं, आपको $10 आता रहेगा पर बंदे से, काम कोई कर रहा हो, कब तक, जब तक ये V2 नहीं बनेगा, जब तक ये V1 वाला बंदा V2 नहीं बनेगा। अब ये V1 वाला V2 बंदा कब बनेगा, जब 20 लोगों की टीम हो जाएगी, और 20 लोगों की टीम होने तक हर बंदे से अगर $10 मिले तो ये गारंटी है कि भाई साहब एक आदमी से $200 की तो गारंटी, $200 तो पक्के पक्की आने हैं, तब तक इससे पैसा मिलता रहेगा। एक आदमी आपने जोड़ दिया, उस आदमी से आपको तब तक पैसा आता रहेगा जब तक $200 कम से कम ना आ जाए, साथ में ट्रेडिंग प्रॉफिट का अलग से आता रहेगा। ये तो गई V2 की बात। अब आप भी V2 और आपके नीचे वाला भी V2, अब यहां से इससे इनकम बंद हो गई, आप बड़े परेशान कि भैया अब तो इससे इनकम बंद हो गई, क्या करें। करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ ये है कि आपको दो और लोगों को V2 बना देना है, इन सबसे इनकम बंद कर लेनी है। जैसे ये काम आप करेंगे तो आपकी इनकम बंद नहीं होगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, चूंकि आप बन जाएंगे V3। यानी आपने तीन लोगों को V2 बना दिया, और तीन लोगों को V2 बनाते बनाते आपके टोटल 5 डायट हो जाते हैं, और टोटल 100 लोगों की टीम हो जाती है, आप बन जाते V3, और V3 बनते ही आपका परसेंटेज हो जाता है $50, सीधा आधा आधी, $100 में आधा आपका आधा कंपनी का, आधा तुम लो आधा मैं लूंगा, तो $50 की आपकी कमीशन की स्लैब हो जाती है। अब एग्जांपल फिर से लेते हैं, V3 होने पे आपने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, आपने एक बंदे को ज्वाइन कराया, इस बंदे से आपको कितना मिला, $50। ये बंदे का रैंक क्या है, V1,
ये बंदे का रैंक क्या है? भीवन। अब इस बंदे ने एक बंदे को ज्वाइन कराया, इस बंदे का रैंक क्या है? भीवन। इससे इसको कितना मिलेगा? $30। बाकी का कितना बचा? 50 में 30 गया, 20। ये बचा हुआ $20 आपको आता रहेगा। कब तक? जब तक ये बंदा भीटू ना बन जाए, जब तक ये बंदा भीटू ना बन जाए। और ये बंदा भीटू बनने के लिए कितने लोग चाहिए? 20 लोग। भीटू बनने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए ना। यानी इस बंदे से हर बंदे से आपको $20 मिल रहे हैं, तो 20 लोगों से कम कितना डॉलर कंफर्म हो गया? $400। अब जैसे ये बंदा भीटू बन गया, जैसे ये बंदा भीटू बन गया, अब ये किसी को ज्वाइन करेगा तो इसकी पूरी टीम से इसको कितना मिलेगा? $40। तब भी आपको इसकी पूरी टीम से आपको $10 आता रहेगा। अब आपको कब तक आता रहेगा? जब तक ये बंदा भीतरी ना बन जाए, चूंकि आपका लेवल भीतरी है। यानी 80 आदमी और चाहिए इसको भीतरी बनने के लिए कम से कम। और वो भी गारंटी नहीं कि 80 आदमी बनेगा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं तो 80 × 10 यानी $800 और देगा। 800 + 400 यानी $1200 की गारंटी हो गई कि एक आदमी से इनकम तभी बंद होगी जब तक ये $1200 नहीं देगा। समझिएगा, बहुत बढ़िया पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है। यानी अगर आपने भीतरी लेवल पे जा करके 5 से 8 लोग डायरेक्ट कर दिए और इन सबको भीतरी बनाने की कसम खा ली, तो हर बंदे से कम $1200 आएंगे। इतना पैसा कहाँ रखोगे भाई साहब? सोच लो पहले से, पैसा आने के पहले पैसा खर्च करने का सोच लो। अब फिर दिक्कत, जब आप भीतरी बन गए, नीचे वाला ही भीतरी बन गया, तो अब आपकी टेंशन चालू। अरे भैया, इससे तो इनकम बंद हो गई हमारी। इससे इनकम बंद नहीं होती सर, आपको यहाँ पे मिलता है पीयर अवार्ड। पीयर अवार्ड क्या है? इसकी पूरी टीम से आपको 1% मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट का। जितनी इसकी टीम प्रॉफिट करेगी, उस पूरी टीम से जितना प्रॉफिट जाएगा उनकी टीम को, उसका 1% आपको मिलता रहेगा। इसको कहते हैं पीयर अवार्ड। लेकिन एक भीतरी बनने पे टेंशन में नहीं आना है। आपको करना क्या, एक भीतरी बन गया, अब आपको पूरी जोर लगा देनी है कि भाई साहब 2 भीतरी और बना देने हैं मुझे। जैसे 2 लोगों से भीतरी और बना दिया, 3 लोगों से इनकम खत्म कर दी, तो इनकम खत्म नहीं होगी, इनकम बढ़ जाएगी। आप बन जाओगे V4। और जैसे ही आप बनोगे V4, तो आपकी इनकम हो जाएगी 50,000+। कितने? एक V4 की मिनिमम इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा की है, ये गारंटी बात है। क्योंकि उसके नीचे 3 शेर आ चुके होते हैं, 3 लायन। अब ये बन गया V4। V4 बनते ही आपका परसेंटेज होता हो जाता है 60%, यानी $60 प्लस 8% किसका? ट्रेडिंग प्रॉफिट का। जिन लोगों को आपने डायरेक्ट जोड़ा है उनसे आपको 8%, और टीम से उनके डिफरेंस के हिसाब से। उनके डिफरेंस के हिसाब से कैसे? आप हो V4, आपने एक बंदे को फिर से जोड़ा, ये बंदा बना क्या? V1। इसके V1 बनते ही आपको इससे क्या मिलेगा? $60 प्लस 8%। अब ये बंदे ने किसी बंदे को लाया, तो इस बंदे को कितना मिलेगा? इस बंदे को मिलेगा $30 प्लस 4%। आपको यहां कितना मिल रहा था? $60 प्लस 8%। तो इस बंदे से बचा हुआ डिफरेंस किसको जाएगा? आपको जाएगा। कितना जाएगा? इस बंदे से आपको जाएगा सेम जितना इसको गया है, $30 प्लस 4%। सोचिएगा, इसने किसी को जोड़ा, इसको फिर से $30 प्लस 4%, और आपको भी सेम। इसने किसी को जोड़ा, इसको $30 प्लस 4%, आपको भी सेम। जब तक ये V2 नहीं बनता, तब तक इसके हर टीम से, हर मेंबर से आपको $30 मिलेगा, साथ में ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4%। तो पैसा आप कमाओगे या मैं कमाऊंगा? कब देगा? जब तक ये V2 ना बन जाए। जैसे ये V2 बनेगा, जैसे ये बंदा अब आपका V2 बना, V2
V2 बनते ही अब इसका परसेंटेज क्या हो गया 40, आपका परसेंटेज क्या है 60। अब इसके हर टीम के मेंबर से आपको कितना मिलेगा 20, यानी ये जब तक भीतरी ना बन जाए, और भीतरी बनने के लिए कितने लोग चाहिए पता है ना, याद है ना, 100 लोग मिनिमम। अब ये जब भीतरी बन जाएगा तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 50। अब आपको डिफरेंस कितना मिलेगा एक भीतरी से 10, लेकिन ये भीतरी से V4 कब बनेगा, ये भीतरी से V4 बनने के लिए अच्छी खासी टीम चाहिए, क्योंकि टीम से बहस खत्म हो जाता है कि 300 लोग चाहिए या 500 लोग चाहिए, मैटर वो नहीं है, मैटर है तीन शेर चाहिए, तीन शेर चाहिए, तीन भीतरी चाहिए, क्योंकि एक भीतरी एक शेर के बराबर होता है। तीन भीतरी क्रिएट करने में 500 से 800 लोगों की टीम खड़ी हो जाती है, तब तक इसकी पूरी टीम से आपको $10 मिल रहा होता है, यानी जबरदस्त इनकम आती है। यही एक रीजन है कि जब आप V5 बनते हो और आपके नीचे तीन V4 खड़े होते हैं तो आपकी इनकम 1 लाख से शुरू होती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इवन की 4 लाख रुपए डेली आने लगते हैं भाई साहब, डेली, क्योंकि आपके नीचे अब बब्बर शेर आ चुके हैं, पहले वो शेर थे, अब ये बब्बर शेर हो चुके हैं, क्योंकि ये V4 बन गए हैं और आप शेरों के सरदार बन चुके हो, बब्बर शेरों के सरदार V5। एक V5 पे आपकी इनकम हो जाती है $65, $100 में $65 आपका प्लस 11% ट्रेडिंग प्रॉफिट का, साथ में अगर आपके बराबर में कोई आता है तो 1% पीआर अवार्ड कर। अब तक पूरे वर्ल्ड में मात्र 6 से 7 V5 हैं ओनली, इंडिया में बात करें तो इंडिया में मात्र 2 V5 हैं, मिस्टर मुरली मोहन एंड मिस्टर महेंद्र गायकर, दोनों में से किन्हीं का पे आउट 1.5 लाख रुपए से कम नहीं आता। और इसके बाद जो बारी आती है वो आती है V6 की, V6 अब तक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई बना ही नहीं है, इसलिए पे आउट तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि V6 जो भी बनेगा उसका पे आउट तो बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ा आने वाला है। क्यों बड़ा आने वाला है, क्योंकि इसको मिलता है $70 प्लस 12% ट्रेडिंग प्रॉफिट का, प्लस जो सबसे बड़ी बात है वो मिलता है 1% ग्लोबल ट्रेडिंग की प्रॉफिट का। सोचिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने लाखों करोड़ों डॉलर लगे हैं उनकी प्रॉफिट का 1% में ही, तो भाई साहब इसका इनकी लाइफ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी जो पहला V6 बनेगा उसका डेली का पे आउट तो मुझे लगता है 25 लाख रुपए क्रॉस होने वाला है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर आग लगाने वाले हैं हम रॉयल क्यू में, कि पे आउट देख के लोग जल मरेंगे। और जिन्होंने रॉयल क्यू ज्वाइन नहीं किया वो रॉयल क्यू ज्वाइन करने के लिए पागल हो जाएंगे, और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो V6 बनने के लिए पागल हो जाएंगे। तो सर अभी से पागल हो जाओ, क्योंकि अगर आप पागल नहीं हुए, कहते हैं जिगर में आग ना हो, सिर पे बर्फ ना हो, पाँव में चक्कर मुंह में शक्कर, फिर से सुनिए, पाँव में चक्कर मुंह में शक्कर जिगर में आग, ये तीन चीजें चाहिए होती है, क्योंकि जिसके पाँव में चक्कर, यानी वो जो आदमी ट्रैवलिंग करता हो, जो आदमी अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम पागल होके दौड़ रहा हो, और जो आदमी मुंह से मीठा बोलता हो, क्योंकि मुंह में शक्कर चाहिए, करवा बोल के आप किसी को दिल नहीं जीत सकते, और जिगर में आग इसलिए चाहिए कि आप एकदम कहते हैं कि मुझे पाना है एनी हाउ, मुझे अब मेरे लक्ष्य से कोई नहीं डिगा सकता, तो आपको V6 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, और आपके पूरी फैमिली को आप पे गर्व होगा, आपके पूरे रिश्तेदारों को आप पे गर्व होगा, आपका हर आदमी यही कहेगा भाई साहब मैं तो ही जानता था ये लड़का बहुत आगे जाएगा, जो कल तक कहते थे अरे इससे इसके बस का कुछ नहीं, ये तो कंपनियां चेंज करता रहता, वही आदमी बोलेगा मुझे पता था ये आदमी आगे जाएगा। लोगों की सोच बदलती है, बदलने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, दुनिया सलाम करती है सलाम करवाने वाला चाहिए दोस्तों, तो बस टिक जाइए फिर आप बिक भी जाएंगे।
और इतने महंगे भी कहेंगे कि कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डेली का पे आउट 10 लाख 15 लाख 20 लाख हो सकता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, एंड शायद मैंने कोशिश की आपके साथ एक अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन देने की, एक अच्छा स्टेटमेंट देने की। और ये सच्चाई है, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे मोटिवेशन दे रहा हूँ, ये फैक्ट है। क्योंकि यहाँ पे लोग तकदीरें चेंज हुई है, लोगों की लाइफ चेंज हुई है, और आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। अगले V5 पास आप हो सकते हो, अगले V6 आप हो सकते हो, अगले V4 आप हो सकते हो, अगले करोड़पति आप हो सकते हो। सोचना आपको, डिसाइड आपको लेना है। थैंक यू सर। अब दोस्तों 9 बज चुके हैं और हमारा अब क्वेश्चन आंसर सेशन चालू हो चुका है, तो हम लोग अब हैंड रेज कर सकते हैं जिन लोगों को भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है। काफी लोगों ने एक साथ हैंड रेज कर लिया। सबसे पहले पॉपी जी को ले लेते हैं, क्योंकि पॉपी जी को बहुत बेचैनी हो रही थी बीच में। मिस्टर पॉपी, हेलो। हाँ जी पॉपी जी। हाँ नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आपका जो मीटिंग आते हैं, हम बहुत बहुत इंतजार करते हैं, कितने टाइम से शुरू होगा, कितने टाइम से चालू हो जाएगा, ये सुनने के लिए बहुत तड़पते हैं। मैं एक महीना हो गया ज्वाइन किया है, तो क्या है अभी कुछ दिन में एक ही जांच कर रहे, क्या है काफी टाइम तक हैंडरेज भी किया है, कभी नहीं मिला है, तो आज आपने देख लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बात क्या है, जैसे मजबूरी हाँ, मेरी ये हो जाती है, अभी आप देखे 31 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ। सर, मैं एकदम शॉर्टली बोल रहा हूँ, क्या है जितना मैंने लगाया, वो जो 380 डॉलर लगाया था, तो अभी क्या है रॉयल क्यू में तो ग्रोथ दिखा रहा है, रॉयल क्यू में ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन बाइनेंस में वो ग्रोथ जितना रॉयल क्यू में दिखा रहा है, बाइनेंस में उधर उसमें प्लस नहीं दिखा रहा है, इतना प्लस नहीं दिखा रहा है, ये क्यों? पॉपी सर क्या होता है एक्चुअली, हम लोग काफी इस मैटर को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये टेक्निकल मुद्दा है, फिर भी आपने उठा लिया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो क्वाइन ट्रेड पे लगा रहता है, हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और उस अमाउंट को गिनते हैं, लेकिन जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे दिखला रहा हूँ, अपने स्क्रीन पे दिखलाते हुए बात करूंगा, ज्यादा मजा आएगा आपको समझ में आएगी बात। ये हमारा ट्रेड है, हम तो यहाँ जाकर के देख पा रहे हैं कि भाई साहब ये सोलाना में हमारा कितना लगा हुआ है, तो सोलाना में $350 लगे हुए हैं, और हम वहां जाके खोज रहे हैं कि हमारा इसके हिसाब से जोड़ लिया कि इतना फंड हमारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिखना चाहिए आपको कि यहाँ पे आपका फ्लोटिंग लॉस ये दिखलाई दे रहा है $10 का, यानी एक्चुअल वैल्यू आपके बाइनेंस पे इसके दिखाई देगी $340, 350 नहीं दिखलाई देगा। तो ये जो फ्लोटिंग लॉस है, ये मतलब आपका एट ए टाइम ट्रेड लगा हुआ है जो लॉस में है क्वाइन, इस कारण से इतना क्वाइन आपको कम दिखाई देता है, इतने डॉलर कम दिखाई देते हैं, डेट्स वाई बाइनेंस और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देता है, और कोई रीजन नहीं है। तो इस चीज को आप गौर करेंगे तो आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक ये आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। नेक्स्ट, एंड प्लीज फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी फ्रेंड से कि नए लोगों को मौका दे, क्योंकि टेक्निकल सेशन हम संडे को रखने वाले हैं, और संडे का टेक्निकल सेशन हम सैटरडे को आपको अनाउंस कर देंगे कितने बजे रखने वाले हैं, क्योंकि संडे को राखी भी है, बट हम कोशिश करेंगे कि उस दिन ऐसा टाइम रखें ताकि सभी लोगों को ईजी हो पाए। पूनम मल्लिक, हेलो सर। हाँ पूनम जी। सर एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो हाउ कैन आई प्रमोट दिस रॉयल क्यू? आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप कैसे प्रमोट करोगे? सच ये है, बता पूनम जी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं लोगों की बात छोड़ दो, मैं खुद भी, मेरे साथ इतना बड़ा सर्किल है, फिर भी मैं मानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं आएगा। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रॉयल क्यू लगाना चालू कर देता हूँ, अपने फेसबुक पे डेली रॉयल क्यू डालना चालू कर देता हूँ,
क्योंकि हमारे हमारी दुनिया में कोई दोस्त होना हो, हमारे फेसबुक पे काफी लोग दोस्त बन जाते हैं, और खासकर लड़कियों के तो फ्रेंड, मतलब सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव नहीं हूँ। सो अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि जैसे सबसे अच्छी बात क्या है कि जब एक लड़की फेसबुक प्रोफाइल बनाती है तो जनरल आप समझते हो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट की तो बाढ़ आ जाती है। अच्छा, तो आप जैसे रॉयल क्यू डालते हैं तो रॉयल क्यू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए काफी लोग अपना नंबर और ये चीजें डालेंगे, तो आप अपने अपलाइन की हेल्प लें उनको समझाने में, उनसे बात करने में। सर, तो अभी जैसे हेल्प करेंगे आपका काम आसान हो जाए। सर अगर मैं अभी इन्वेस्ट करूंगी तो उसमें V1 में आएगा मेरा पोजीशन, तो सर V1 में आएगा तो V1 में भी मुझे डेली का प्रॉफिट होगा अगर मैं किसी को ना भी प्रमोट करूंगी? आपका V1 रैंक हो, जो ट्रेडिंग से रैंक का कोई मैटर नहीं है, याद रखिएगा। ट्रेडिंग एक अलग चीज हो गई, रैंक एक अलग चीज हो गया। रैंक काम आता है नेटवर्किंग करने में, जब आप लोगों को जोड़ते हो तो रैंक काम आता है। ओके, तो सर मतलब अगर V1 पे भी होंगे तो मुझे कोई प्रॉफिट मिलेगा? एकदम मिलेगा। कितना परसेंट मिलता है सर उसमें? एक एवरेज मैं जब भी बात करता हूँ कि 10% महीने का, जो भी आपने फंड लगाया है, एक एवरेज 10% महीने का आ जाता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। कुमार अमृत गुप्ता, कुमार अमृत गुप्ता, प्लीज अनम्यूट करें। ऋषि कुमार, हेलो जी। ऋषि कुमार जी बताए। हाँ सर जी, ऋषि कुमार कटिंग, मैं MP से। जी जी सर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने एक दिन इन्फॉर्मेशन दी थी रॉयल क्यू में कि जैसे अपन 1000 मतलब ग्रैंड स्लैम इन्वेस्ट कर देते हैं 3 साल के लिए, हाँ, तो उसमें अपने 3 साल में $2,53,000 बन जाते हैं। हाँ जी, अगर कंपाउंडिंग डेली का 0.5% एक एवरेज आता है तो ये कंपाउंडिंग में हम बात करते हैं $2,53,000 हो जाते हैं $1,000 के। और सर यदि अपन इसी को 1 साल चलाते हैं तो कितना रहेगा? लगभग $6,000। और 2 साल? सर जो दिखलाया था वो फिगर दिखलाया $18,000 था, समथिंग याद है जहां तक मुझे। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो 3 साल का आप बता रहे हैं $2,53,000 जी पक्का क्लियर है ना सर? थोड़ा बहुत ऊपर डाउन हो सकता है? पक्का क्या होता है, अगर पक्का होता तो पता चलता सारे लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के लगा देते। तो मतलब $2,00,000 बन जाएगा क्या ऐसा कुछ? सर मैंने क्या बोला, पक्का क्या होता है, पक्का होता है तो सारे लोग जमीन जायदाद बेच के ही पैसा लगा देते फिर तो। नहीं तो वो बात तो सही है, कितना अपन लेके चले $2,00,000 के अलावा बन जाएगा? सर जो बन जाए, मैंने कंपाउंडिंग का फिगर बताया है, मैं एक एवरेज आपको ये बताता हूँ महीने का 10%, बाकी आप जोड़ते रहे कैलकुलेशन, वो मैंने कंपाउंडिंग का फिगर बताया है। अब कंपाउंडिंग करना ना करना वो आपके यहाँ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। मिस्टर देव आर्या, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। मेरा सर मुझे ना एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड हैं, वो काफी दिन से ट्रेडिंग भी करते हैं, एक अच्छा ग्रुप भी है उन लोगों का, तो उनसे मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, रॉयल क्यू के बारे में। तो मैंने उनको भेजा कि उन्होंने ज्वाइन भी मीटिंग की थी दिन में जो 3 बजे होती है, उसको प्लान दिया उन्होंने पूरा। तो उनका एक क्वेश्चन था कि सर ये ना ये इसमें जो $100 का जो पेड़ वाला दे रहे हैं ऑटोमेटिक, ऐसे तो बहुत सारे रोबोट हैं जो फ्री में भी करवा रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है, तो हम इसको ही क्यों ले? हाँ क्वेश्चन अच्छा है सर। कई सारे बोर्ड फ्री में भी अवेलेबल हैं, बाइनेंस के थ्रू भी मिल जाएंगे। कई सारे बोर्ड आपको ऐसे भी है जहाँ पे ऑटोमेटिक बोर्ड ट्रेड होती है। सबसे बड़ी बात है सर ये बोर्ड इसलिए ले, क्योंकि पहली बात रॉयल क्यू टेस्टेड है,
पहली बात। दूसरी बात, सेमी ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक वाला बड़ा खतरनाक होता है। और ऑटोमेटिक वाले ट्रेड में कुछ भी क्वाइन बाई कर लेगा, कुछ भी अकाउंट चूज कर लेगा, कुछ भी क्या कर लेगा, कहना मुश्किल होता है, चूंकि डेवलपर के हिसाब से होता है। सेमी ऑटोमेटिक में हम अपने हिसाब से ट्रेड लगाते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग करते हैं, अपने हिसाब से फायदा लेते हैं। तीसरी चीज, ये बोट में जो सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब कि यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड सिखा के भी पैसा बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि बाकी जगह आप सिर्फ अपना पैसा बना सकते हैं, लेकिन लोगों को अगर बताओगे तो कोई फायदा नहीं आने वाला। यहाँ पे आपको लोगों को बताने से फायदा आने वाला है, जो करोड़ों में। जी जी जी, हाँ हाँ सर, ये तो ऐसा बोलते प्लान है पूरा बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था सर कि मैं क्या, ये जो अगर रॉयल को अगर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा अगर लोग यहाँ पे इनकम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सेफली है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो बहुत सारे जो रोबोट्स हैं जो फ्री में कह रहे हैं, जी जी मैं बात नहीं समझ पा रहा, क्या बोल रहे हैं जी? मैं कह रहा था सर कि अकॉर्डिंग टू जो जी, सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक बात बताई जी, में ये टेस्टेड है, सेफली है, इनकम देने वाला है, जहाँ पे एक बिजनेस भी है साथ में इंक्लूडेड। हाँ, और खराब मार्केट में भी टेस्ट हो चुका है कि डल से डल मार्केट में भी इसने प्रॉफिट दिया है, दैट्स व्हाई हम यहाँ काम कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर हारू, अनम्यूट करें। हाँ हेलो सर। जी हारू जी। सर मेरा जो क्वेश्चन था, समझो मेरा $1,000 का अकाउंट है, उसमें मैं 5.5 पॉइंट सिलेक्ट किया, तो उसमें जो फर्स्ट टाइम बाय ऑप्शन है वो हम कितने तक रख सकते हैं कि उसमें अच्छा प्रॉफिट निकल जाए? सर आपके फंड के हिसाब से रखोगे ना सर आप, मैंने पहले प्लान में बताया कि भाई साहब 5% रखना है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10% रखना है। यानी अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है तो आप ज्यादा से ज्यादा $100 यूज करोगे। अच्छा, तो $100 में समझो फर्स्ट टाइम जो बाय ऑप्शन है तो $20 रखूंगा तो चलेगा? वो चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, 50 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा नहीं, मतलब जो रिस्क फ्री होता है, मतलब 10-20 वही अच्छा होगा? मैक्सिमम आपको $100 ही यूज करना है, चाहे $20 पांच कॉइन में लगा ले, चाहे $100 एक कॉइन में लगा ले। अच्छा अच्छा, थैंक यू, ठीक है। और जो मार्जिन कॉल टाइम होता है वो 4 टाइम बेस्ट रहेगा या 5 टाइम बेस्ट रहेगा? 5 टाइम हमेशा लगा के रखे, जो मार्केट का पता नहीं होता कब मार्केट उल्टा मार दे और कब आपको सबमिट मोड की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, और उसमें 21248 वो वही वाला ना? यस सर, यस, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर मनोज कुमार सिंह, मिस्टर मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मिस्टर मनोज आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मिस्टर अमित जी रेडियो, मेरी आवाज जा रही है सर आपके पास? आपकी आवाज आ रही है अमित जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सर क्या है इसमें, क्योंकि मेरा ये इशू रह गया था नेटवर्क का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिंपल सी बात है, आप ये समझिए कि $100 अगर आपने रॉयल क्यू में लगाया है, यानी ₹8,000 आपने रॉयल क्यू को देके खरीदा है, तो आपकी एक इच्छा होगी ना भाई साहब मुझे महीने में कम से कम ₹5,000 आए। यस यस, अगर महीने में ₹500 आए तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो जाहिर बात है, मैं अगर 10% महीने की बात करता हूँ और ₹5,000 आपको चाहिए तो कम से कम ₹50,000 लगाइए। 50,000 लगाने कम से कम 10,000 का महीना आने लगेगा, 5,000 मिनिमम। अच्छा, और ये जो मेरा पैसा जो रहेगा, कहने का मतलब ये सिक्योरिटी मनी के तौर पे रहेगा जमा, 50,000 या मैं ₹1,00,000 जो लगाता हूँ? में पड़ा हुआ था, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं, रॉयल क्यू को कोई पैसा नहीं दे रहा, आपका पैसा आपके क्रिप्टो के अकाउंट में पड़ा रहता है, बाइनेंस में पड़ा रहता है, जहां से आपकी मर्जी हो रात के 12 बजे फंड निकालना निकाल सकते हैं, पूरा फंड जीरो कर सकते हैं।
कहने का मतलब मेरे पैसे पे कोई रिस्क नहीं है? कोई रिस्क नहीं है क्योंकि पैसा आपके पास पड़ा है। मैंने अगर 1,00,000 रुपए लगा दिया तो मैं उसको बाद में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। सर आपने पैसा आज लगा दिया, 5 दिन बाद जरूरत पड़ गई भैया मुझे 50,000 रुपए जरूरत है, आपको निकालना आप निकाल सकते हैं। उसके अगले दिन फिर जरूरत पड़ गई 25,000 और निकालना, फिर निकाल सकते हैं। फिर जरूरत पड़ गई 50,000 डाल देते हैं तो वापस डाल भी सकते हैं। तो आपका अकाउंट आप घटा बढ़ा आपके हिसाब से कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 50,000 में कर सकता हूँ सर? जी सर। और बेटर रहेगा करेंगे तो बेटर रहेगा, करने को तो लोग 8,000-10,000 से भी कर ले रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर ट्रेड करने आए हैं तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 50,000 स्टार्ट करें, ज्यादा अच्छा लगे। तो रोज डेली का कितना रहेगा सर, 5 उसको डिवाइड कर लें क्या? सर सिंपल से आप डिवाइड कर लेना कि एवरेज है, देखिए मार्केट है, मार्केट में ट्रेड होता है, कभी कम कभी ज्यादा चलता रहता है, क्योंकि ये कोई आरओआई प्लान तो है नहीं। जी जी जी। तो फिक्स तो कोई बोल नहीं सकता सर। नहीं मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था उड़ते उड़ते में कि 1,00,000 रुपया अगर लगाते हैं, 1,10,000 जो है तो उसमें आपका करीब करीब 1,000 रुपया रोज आएगा, जिसमें 200 रुपया रोबोट का वो कटेगा आपका, और लगभग लगभग 30,000। बोलने को कोई कुछ भी बोल ले, मैं ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि मैं ऑनलाइन भी हूँ और वही बोलता हूँ जो एकदम कम हो। ज्यादा बोलू कम बोलूंगा ज्यादा आएगा मजा आएगा, ज्यादा बोलूंगा कम आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया बात कहा और अच्छा भी लगा जो से आपने सजेशन दिया। लेकिन जिसने भी मुझे बताया, लेकिन और इसीलिए मैं मीटिंग में जानबूझ के भी आया, मुझे उसने मुझे मीटिंग में इनवाइट नहीं किया, रियल फैक्ट है सर। लेकिन मुझे नंबर मिला, मैं अपने आप को सोचा कि नहीं एक बार मैं देखा, देखना चाहता हूँ कि अंदरूनी क्या है सर। सही है सही है सही है। आप तो चलो ठीक, आप फेस टू फेस किसी को बोल दोगे, लेकिन जो आप को पूरे इंडिया की जिम्मेवारी दी गई है या जो भी जिम्मेवारी मिला हुआ है, तो आप लाइव सर झूठ नहीं बोल सकते। आप कम कमाए आपका इनकम ज्यादा अलग बात है, लेकिन आप ज्यादा बोलकर लोगों कम आएगा फिर वो आपको पकड़ेंगे सर। मीटिंग गई सर आपने ज्यादा बोला था, कम आ रहा है। थैंक यू सर लोगों को भी मौका मिलेगा। एक एवरेज मान के चले सर की 10% एनी हाउ एवरेज। एवरेज का मतलब ये याद रखिएगा, एवरेज का मतलब ये होता है किसी महीने में 7 भी आ सकता है, किसी महीने में 15 भी आ सकता है, इसको एवरेज बोला जाता है। इनकम सर आने लगे तो मैं इसको फिर डबल कर लूंगा क्या, 50 का इसमें डबल 1,00,000 लगा दूंगा। कभी 50 से स्टार्ट करें सर, अच्छा इनकम आएगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर आपने समझाया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। परिहार जी, मिस्टर पी परिहार, मैं पूछना था ये सर, मेरा क्वेश्चन तो अभी जी परिहार जी हो गया सर, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितने डॉलर? चलिए चलिए चलिए, थैंक यू सर, फिर आप हैंड डाउन कर लें अभी। जी सर जी सर, मिस्टर भगवान सिंह रावत अनम्यूट करें। मिस्टर भगवान सिंह रावत, मिस्टर सत्य प्रकाश, हेलो हेलो, बल्कि मुझे समझने पैसा लगाया वहाँ, बैंक से पैसा डाला हमने, और मैंने कई लोगों से बताया लोग रॉयल के बारे में, बोले कि रॉयल को भाग गया तो हमारा पैसे का क्या होगा करके। रॉयल क्यों भाग गया तो भी कुछ नहीं होगा सर, आपका पैसे का, आपका पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, तो ये पैसा आपने रॉयल क्यों को नहीं दिया है, आपने पैसा बाइनेंस पे रखा हुआ है। मैंने पता है उनको, हमने पैसा बाइनेंस में रखा है करके, वो बोले कि रॉयल क्यों ने लॉक करके रखा है वहां पैसा करके, अगर वो भाग गया। रॉयल क्यों कभी भी लॉक करके नहीं रखता, क्योंकि पैसा आपका बाइनेंस पे पड़ा रहने का मतलब ये होता है पूरा कंट्रोल आपका है। आप रॉयल क्यों को एक लात मारोगे 2 मिनट में भगा दोगे, अपने बाइनेंस से हटा दोगे, वो आपकी मर्जी है। मतलब पैसा हमारा सेफ है, रॉयल क्यों चलता रहे अलग अलग है, रॉयल क्यों आपके पैसे को टच भी नहीं कर सकता सर। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। मिस्टर जितेंद्र कुमार,
जी हाँ सर, ये